दोस्तों, ये वाला मेरा वीडियो ना शायद कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे जीएचए एनटीए फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि मैं जो भी बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पर ही बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शादी की जरूरत क्या है, क्यों करनी शादी, हाँ, और शादी करके फायदा क्या होता है ये बताओ मेरे को। मैंने हमेशा शादीशुदा लोगों को स्ट्रेस में ही जीते हुए देखा है। मतलब वैसे वो हंसते भी है तो ऐसा लग रहा है हंसी पे एहसान कर दिया। तो क्यों करनी शादी? क्योंकि देखो, शादी आप करोगे, ठीक है, ये समाज के दबाव में आके, या मतलब रिलेटिव्स बहुत बोलेंगे, मम्मी पापा बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप उस जो अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, तो अरेंज मैरिज में आप लड़का या लड़की से मिलोगे और उसको कितना जानते होगे, मान लो आप पहले से जानते भी हो किसी एक्स वाई जेड रीजन से, तो भी कितना, 24 घंटा तो उसके साथ नहीं हो, ठीक है। लव मैरिज में भी आप वो लड़का या लड़की के साथ पहले घूमते होगे, लेकिन फिर भी कितना, 24 घंटे तो उसके साथ नहीं हो, ठीक है ना। मैं लिव इन विव इन को जब भी जाने दे रहा हूँ साइड में, मैं नॉर्मल शादी जैसे होती है अरेंज या लव उसकी बात कर रहा हूं। तो फिर भी शादी के बाद ही असली रंग पता चलता है, जब आप 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ रहते हो, ठीक है ना, वो बात की बात है। लेकिन पहले मैं बताता हूं कि फाइनेंशियल का आपको क्या लॉस है। एक तो शादी में खर्चे पे खर्चा, ठीक है, उसके बाद शादी करने के बाद फिर आप घर लेना चाहते हो नया, तो फिर वो उसके लिए आपको होम लोन लेनी पड़ेगी, उसका फिर वो लोन भरने का खर्चा, बच्चे होंगे उनका एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा उसका खर्चा, ठीक है। आप बहुत बड़े रईस अंबानी जैसे हो तो ठीक है, डेट इज ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं, उनके लिए शादी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हमारे जैसे मिडिल क्लास नहीं है अच्छा ऑप्शन, भाई साहब, मैं सही बता रहा हूं आपको। और दूसरा, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड डाइवोर्स का, ए आर रहमान जैसे कभी डाइवोर्स हो गया इतने सालों की शादी के बाद, तो सोचो हम और आप क्या चीज है। मेरा भी हुआ है, लेकिन मैं अभी सिंगल हूं और मैं खुश हूं। और डाइवोर्स में भगवान ना करे अगर आपको एलिमनी देनी पड़े, मुझे नहीं देनी पड़ी, पर आपको देनी पड़े एलिमनी, तो सोचिए वो तो फिर जिंदगी भर का खर्चा है भाई साहब। तो इसलिए मैं बोलता हूं बेस्ट यही ऑप्शन है, सिंगल रहो, खुश रहो, ठीक है। मेरी सलाह मानो और इस वीडियो को वायरल करो, ताकि जो यंग लोग हैं जिनको शादी की चुल मची है ना, उनको समझ में आए, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो मुझसे। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा।